हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल है और हमारी टेस्ट सीरीज है तीसरी। ठीक है, तीसरी टेस्ट सीरीज है। इससे पहले दो टेस्ट सीरीज मैंने करवा रखी है, आप जरूर जाके देखें दोस्तों। और आपने क्लास को नाम किया है थारी मारी क्लास, यानी भूगोल की जो क्लास को नाम वो है थारी मारी क्लास। और अब की बार 100 पार। और आज हमने जो हमने कल वीडियो डाला था कि ये हमारा एक तरीके से गोल रहने वाला है कि भूगोल का जो 24 तारीख का जो कार्य है वो ये है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम, मानव बस्तियां। ये तीन जो चैप्टर है इनके, यानी 24 तारीख का ये कार्य, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को याद करना। तो आज मैं ये जो क्वेश्चन लेके आया उन तीनों चैप्टरों में से है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर के देखेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम देखते हैं भूगोल के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हैं। ये प्रमुख इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा के अंदर आ सकते हैं, बड़े भी हैं तो छोटे भी हैं। ठीक है, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ऐसे भी आ सकता है कि 50 से 60 शब्दों में दीजिए, 70 से 80 शब्दों में दीजिए, इस प्रकार से। तो एक भाई कमेंट करता है बार बार, निखिल सुतारे इनका नाम, हाँ निखिल सुतारे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 50 से 60 शब्द का मतलब क्या है, 70 से 80 शब्दों का क्या मतलब है, कैसे भरे पेज। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी तो हमारे एग्जाम दूर है अभी। ठीक है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से हमें भरना है, इस प्रकार से एग्जाम के अंदर ये लिखना है, सब बता दूंगा। तो यानी ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको हम याद करेंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जनसंख्या किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको शायद हर टेस्ट सीरीज में शामिल किया है। जनसंख्या किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या, तो जनसंख्या, जन प्लस संख्या, संधि विच्छेद करें तो जन प्लस संख्या, जन यानी जनता, लोग। ठीक है, लोगों की संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर परिभाषा लिखनी है हमें कि जनसंख्या किसे कहते हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना जो है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है। तो भारत में जो जनगणना है दोस्तों वो हमेशा ध्यान रखना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। कितने वर्ष के अंतराल में होती है, 10 वर्ष के अंतराल में। भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लेकिन कुछ क्षेत्र तक सीमित थी। इसके बाद में पहली संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 के दशक में, ये आपको पक्के ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न पूछ दिए कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में, पहली जनगणना 1872 में और संपूर्ण जनगणना 1881 में। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किए गए, तो 1872 में। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल बताओ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का ध्यान रखना 2.4%। कितने परसेंट है दोस्तों, 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ विश्व के 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है भारत के अंदर। ठीक, आगे हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण, वितरण का मतलब फैलाव, बिखराव। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर जनसंख्या के फैलाव या बिखराव, अर्थात मानव निवास की यथा स्थिति या वास्तविक स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जनसंख्या वितरण कहेंगे। इसी के तहत प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस अध्याय में से कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक है। ये शायद मैंने टेस्ट सीरीज 1 के अंदर करवा दिए हैं, तो आप देख लेना। इसी प्रकार बात करते हैं जनसंख्या वितरण की परिभाषा हो गई, इंपोर्टेंट आ सकती है। और जनसंख्या वृद्धि के घटकों के नाम बताओ। तो जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक नेचुरल घटक और इंडस्ट्री घटक, यानी अभिप्रेरित घटक। दो घटक है, प्राकृतिक और अभिप्रेरित, नेचुरल और इंडस्ट्री। देखो अब इन जो ये जो घटक है प्राकृतिक घटक, इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो इंडस्ट्री, जो अभिप्रेरित घटक है, इसमें प्रवास को शामिल किया गया है। तो ये प्रमुख घटक है। अब प्रश्न डायरेक्ट आपको लिखना है, अगर ये याद नहीं हो तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटकों के नाम जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास हो गया। ठीक, आगे अपना क्वेश्चन है कि स्थिरता किसे कहते हैं। स्थिरता, जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को जनसंख्या स्थिरता कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि स्थिरता
यानी कि जनसंख्या को लेकर प्रमुख प्रवस्था हुई थी, प्रवस्था वन के अंदर हमने देखा था, प्रवस्था एक के अंदर, प्रवस्था क के अंदर, कि 1901 से 1921 की अवधि के मध्य भारत की जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो एकदम स्थिर प्रवस्था में थी ना। तो यानी जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च, ज्यादा ही जन्मता और ज्यादा ही मरता, तो यानी जनसंख्या जो है वो एक तरीके से स्थिर, जनसंख्या वृद्धि जो है वो स्थिर प्रवस्था में थी। इसमें यहाँ पर पूछा गया कि स्थिरता किसे कहते हैं, तो जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को जनसंख्या स्थिर से कहते हैं, मतलब कि एकदम स्थिर जनसंख्या, ज्यादा बच्चों का जन्म होता था और ज्यादा ही लोग मारे जाते थे क्योंकि अशिक्षित थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो इसी वजह से क्या है कि स्थिर प्रवस्था थी 1901 से 1921 प्रवस्था क की बात करें। और आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन को समझाइए, इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन को समझाइए। देखो दोस्तों, आर्थिक रूप से जो श्रमजीवी जनसंख्या है इसके तीन वर्गों में बांटा गया है, आर्थिक दृष्टि से श्रमजीवी जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन से वर्ग हैं तो ये ध्यान रखना है, तीन वर्गों में बांटा गया है, ध्यान रखना। एक तो है मुख्य श्रमिक, ठीक है, मुख्य श्रमिक, और एक मेरे ये इंपॉर्टेंट है, बार बार करवा दी मैंने, स्ट्रेस रिलीफ दो के अंदर भी करवाया था, सीमांत श्रमिक और एक है ए श्रमिक। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, मुख्य श्रमिक ऐसे श्रमिक को कहते हैं जो एक वर्ष के अंदर कम से कम 6 महीने यानी 183 दिन जो काम करता है, 183 दिन या 183 दिन से अधिक दिन जो काम करता है उसे बोलते हैं मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक ऐसे श्रमिक को कहते हैं जो एक वर्ष में कम से कम यानी 6 महीने में 183 दिन या 183 दिन से कम दिन काम करता है, 6 महीने से कम दिन जो काम करता है वो है सीमांत श्रमिक। और ए श्रमिक, ए का मतलब उपसर्ग नहीं, यानी कुछ भी श्रम नहीं करता वो ए श्रमिक हो गया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के अनुपात जो देखे तो इन दोनों का जो अनुपात है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक इनका है 39.8% और अकेले ए श्रमिक का है 60%, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रवास क्या है तथा कितने प्रकार का है, प्रवास की एक स्थान दूसरे स्थान पर जानो, बटदान रे बला जानो यानी वटे जान बस जानो, वो है प्रवास। परिभाषा आपने इस तरीके में लिखा है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जाकर बसना क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। प्रवास को ही दोस्तों प्रवसन कहते हैं, प्रवास को ही जनसंख्या का स्थानांतर कहा जाता है, ठीक है। प्रवास क्या है तथा कितने प्रकार का है, प्रवास दो प्रकार का है, उत्तर प्रवास और अप्रवास, उत्तर प्रवास और अप्रवास। उत्तर प्रवास को मतलब यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उत्तर प्रवास, और अप्रवास को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वापस आना वो अप्रवास कहलाएगा। इसी के तहत पूछा जाता है उद्गम स्थान या गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान जहां से हम जाते हैं वो तो उद्गम स्थान है, और गंतव्य स्थान जहां हम आगमन करते हैं, जहां हम गमन करते हैं वो है गंतव्य स्थान, ठीक है, तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा दूसरा है कि प्रवास की धाराओं के नाम बताओ, तो प्रवास की चार मुख्य रूप से चार धाराएं हैं, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव, ये मुख्य रूप से प्रवास की चार धाराएं हैं। प्रवास के कितने कारक हैं, तो प्रवास के कारक या फिर कारण एक ही बात है, प्रवास के मुख्य रूप से कारक की बात करें तो प्रवास के दो कारक है, तो अपकर्ष कारक है एक प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष, अपकर्ष अपनी ओर आकर्षित करना, अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। अब अपनी ओर आकर्षित करने के पीछे रीजन है कि वहां पर शिक्षा मौजूद होगी, स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद होगी, और वहां के लोगों का रहन सहन का तरीका अच्छा होगा, ठीक है, ये अपकर्ष कारक है। और भी बहुत सारे कारक हो सकते और भी हैं, तो यानी ये प्रतिकर्ष का मतलब किसी स्थान को छोड़कर चले जाना। अब किसी स्थान को छोड़कर चले क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या पता अकाल आ गया हो, महामारियां जैसी बीमारियां फैल रही हो, महामारियां बीमारियां पर प्रदूषण फैल रहा हो, और वहां पर क्या पता लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं हो, ठीक है, इसलिए हमें उस यानी शिक्षा सेवाएं मौजूद ना हो, स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद ना हो, शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न हो, इसी वजह से हम उस प्रतिकर्ष का मतलब स्थान को छोड़कर चले जाना, ठीक है। और अपकर्ष का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है, तो ये थोड़ा कारक है अपकर्ष और प्रतिकर्ष, ये थोड़ा आपको ध्यान रखने होंगे। आगे जो दे रखे वो दे रखे कि प्रवास के लिए दो परिणामों के लिखे, प्रवास के मुख्य रूप से परिणाम आपने लिखना है, कोई भी दो परिणाम आप लिख सकते हैं, जैसे आर्थिक परिणाम है, ठीक है, जननांग की परिणाम है। आर्थिक परिणाम में क्या होता है, जैसे आर्थिक परिणाम, जननांग की परिणाम, सामाजिक परिणाम, जो भी आप लिखना चाहे पर्यावरणीय परिणाम लिख सकते हैं, हम आर्थिक और जननांग की परिणाम की बात करते हैं। आर्थिक परिणाम में क्या होता है, जब प्रवासी बाहर जाकर कमाया हुआ धन अपने परिवार वालों को भेजता है, कोई भी प्रवासी है बाहर जाता है कमाने के लिए, तो वो जो कमाया हुआ धन जो है, कमाया हुआ जो पैसा है वो अपने परिवार वालों के लिए भेजता है, तो उस धन को ज्योग्राफी के भाषा में हुंडी कहते हैं, क्या कहते हैं, हुंडी, और उन हुंडियों के सहायता से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है और विवाह संबंधी आदि इस प्रकार से कोई भी जो कार्य करते हैं उनमें काम में लेते हैं, ये है आर्थिक, ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं आर्थिक, आर्थिक परिणाम के अंदर।
बात करते हैं जननांग की प्रणाम। तो जननांग की प्रणाम में सीधा सा ध्यान रखना, जननांग की यानी जनसंख्या, प्रवास के कारण क्या होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन होते रहते हैं। गांव से कोई प्रवासी शहर जाता है तो शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है और गांव की निम्न हो जाती है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है जननांग के परिणाम में। देखो ज्यादातर जो प्रवासी है, देखो महाराष्ट्र राज्य जो है वहां पर सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं, यानी प्रवासियों की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, ठीक है। ये जननांग हो गया। सामाजिक परिणाम में, सामाजिक परिणाम सीधा से ध्यान रखना कि प्रवास के कारण क्या होता है कि नए विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे रूढ़िवादी लोगों में कमी देखने को मिली है। क्योंकि देखो तेरा ध्यान है कि गांव में बहुत सारी प्रथाएं है, जैसे बाल विवाह प्रथा है, यह अभी प्रचलित है। तो गांव में ये प्रमुख जो प्रथाएं मौजूद है, तो नए विचारों के कारण क्या होता है कि रूढ़िवादी लोगों में कमी देखने को मिली है, और ये प्रमुख जो कुरीतियां हैं बाल विवाह, ये धीरे 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 समाप्त होने का समाप्त हो रही है। तो ये भी एक तरीके से फायदे है। और प्रवास का ये मुख्य रूप से सामाजिक परिणाम हो गया। और पर्यावरणीय परिणाम में आपको लिख सकते हैं कि प्रवास के कारण क्या होता है कि यानी प्रवास के कारण कोई भी प्रवासी गांव से कोई शहर जाता है तो शहर की जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी प्रवास के कारण क्या होता है कि जनसंख्या जो है वो बढ़ती है और जनसंख्या में परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन भी बढ़ते हैं, और संसाधन बढ़ते हैं तो संसाधन कई प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, किस बहुत सारे प्रदूषण प्रदूषण फैला रही है, तो भी नुकसान है। तो प्रवास के मुख्य रूप से परिणामों में आपको इस तरीके से वर्णन करना है। हमें दो परिणामों को वर्णन करना है, तो जननांग के परिणाम आप कर सकते हैं या सामाजिक परिणाम, जो भी आप इच्छा है, आर्थिक परिणाम, ठीक है। आगे जो दे रखे वो दे रखे हैं कि प्रवास के परिणाम क्या, मानव बस्ती क्या है तथा ग्रामीण तथा नगरी बस्ती में अंतर बताओ। जो मानव बस्ती है, परिभाषा आपने बतानी है कि मानव बस्ती है क्या। तो मानव बस्ती, मानव जहां रहे वही तो मानव की बस्ती है, जहां कहीं भी मानव रहता है वह मानव की बस्ती कहलाती है। एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर मनुष्य का निवास हो, एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर मनुष्य का निवास हो, मानव बस्ती कहलाती है। कोई भी स्थान हो सकता है लेकिन स्थित, ठीक है, एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से स्थायी बसा हुआ होना चाहिए वो मानव बस्ती कहलाएगी, और वहां पर मनुष्य का निवास होना चाहिए। तो ये मानव बस्ती हो गई। और ग्रामीण और नगरी बस्ती में अंतर बताओ। तो ग्रामीण और नगरी बस्ती में तो आप वैसे अंतर जानते होंगे कि ग्रामीण बस्ती में क्या होता है कि ग्रामीण बस्ती जो है वो कृषि कार्य करती है, कृषि कार्य में क्या कभी कभी तो पशुपालन भी कर ले, तो एक प्रकार की मिश्रित कृषि करे जब, यानी ग्रामीण बस्ती जो है वो कृषि कार्य करती है, कृषि के साथ साथ कभी पशुपालन भी करती है, तो एक प्रकार की मिश्रित कृषि भी करती है ग्रामीण बस्ती। और ग्रामीण बस्ती जो है प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती है, जबकि बात करते हैं नगरी बस्ती की, तो नगरी बस्ती तो क्या करती है, गाड़ी चलाना, सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, द्वितीय क्रिया पर आधारित होती है। ग्रामीण बस्ती में क्या होता है कि इसमें सामाजिक बंधन जो है वो अच्छे होते हैं, और नगरी बस्ती में सामाजिक बंधन जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। ग्रामीण बस्ती में सीधा सा ध्यान रखना कि शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम होती है, जबकि नगरी बस्ती में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी होती है। ये थोड़ा सा अंतर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो भाई आगे चला, ग्रामीण बस्ती के प्रमुख प्रकारों के नाम बताओ। अब ग्रामीण बस्ती के भी प्रमुख प्रकार है। अब एक प्रकार के है कि एक माइनस प्रश्न पूछी जाए बोर्ड के मायने। अब देखो देखिए तरीकों पूछे बापा देखा कि ग्रामीण बस्ती के वास्तव में प्रकार कितना है। तो ग्रामीण बस्ती के मुख्य रूप से चार प्रकार है। अब क्या क्या है अपना देखा कि पहले जो प्रकार है ग्रामीण बस्ती को, ग्रामीण बस्ती के प्रकारों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला देख लेते हैं। पहला जो प्रकार है वो ग्रामीण बस्ती का वो प्रकार है भाई गुच्छित बस्ती। कौन सी बस्ती दोस्तों? गुच्छित बस्ती। ये आपको ध्यान रखना है, गुच्छित बस्ती है। इसी प्रकार दूसरा प्रकार देखें तो गुच्छित बस्ती के बाद में अर्धगुच्छित बस्ती है, अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती। और तीसरे हम देख सकते हैं पल्ली बस्ती, ठीक है, पल्ली बस्ती। अब पल्ली बस्ती के बाद में चौथा हम देखते हैं प्रक्षेपित बस्ती, प्रक्षेपित बस्ती, प्रक्षेपित बस्ती, प्रक्षेपित बस्ती। ये आपको ध्यान रखना है, प्रक्षेपित बस्ती। ये मुख्य रूप से क्या है कि अपना गांव की बस्ती का यानी ग्रामीण बस्ती का मुख्य रूप से चार प्रकार है। ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब एक बार में विस्तार जाना कि जो गुच्छित बस्ती होती है, पूछे ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का नाम बताओ, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण बस्ती के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो गुच्छित बस्ती में क्या होता है, आपको सीधा से ध्यान रखना कि गुच्छित बस्ती, इस बस्ती को संकुलित आकेंद्रित बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है संकुलित आकेंद्रित, ठीक है, ये गुच्छित बस्ती का दूसरा नाम है। और ये जो बस्ती है दोस्तों जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ मैदानी क्षेत्र। उदाहरण के तौर पर हम माने तो जैसे नागालैंड हुआ, ठीक है, नागालैंड और बुंदेलखंड, इनमें यह गुच्छित बस्ती पाई जाती है। यह सीधा सा आपको ध्यान होना। अर्धगुच्छित बस्ती मतलब वो किसी गांव टूट गयो, कोई गांव गयो टूट गयो, दो बगाम भट गयो, तो ये वजह अर्धगुच्छित बस्ती का निर्माण हो गया, ठीक है। और इसमें यानी एक वर्ग जो अपनी एक कोई भी ग्रामीण समाज एक वर्ग अपनी इच्छा से बलपूर्वक बस्ती से अलग रहने लगता है, तो वो है अर्धगुच्छित बस्ती। देखो अर्धगुच्छित बस्ती कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये देखो राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है अर्धगुच्छित बस्ती, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, एम दोनों में कह रहे हैं एम अर्धगुच्छित बस्ती पाई जाती। पल्ली बस्ती की बात करें तो पल्ली बस्ती को पल्लीकृत बस्ती के नाम से भी जाना जाए, पल्लीकृत बस्ती, ठीक है, पल्ली बस्ती को पल्लीकृत बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रमुख नाम है, देखो ये पल्ली बस्ती जो है ये भौतिक रूप से अलग हो जाती है। भौतिक रूप से अलग होने का मतलब है दोस्तों, भौतिक रूप से अलग होने का मतलब है जैसे कोई भी, मान लो मैं तुम्हें उदाहरण दे दूं, मान लो अपना बोट ही नहीं वो कोई स्थान है, मान लो अब मानवा में क्या है, कोई भी मान सका, आप गणित में मानना कि वास्तव में मानना कि ये एक्स है, तो कुछ भी मान सकते हैं, मानने में क्या है, इस कटोरी में दाल है,
दाढ़ी पर मानने में कुछ भी मान सकते हैं। तो यानी ये कोई स्थान है, अब ये कोई स्थान है, इसका नाम है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ही है। अब अगर इस बीच में से यानी नदी निकल जाए, ठीक है, बीच में से नदी निकल जाए तो ये बोर्ड अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, तो यानी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसका नाम तो वही रहेगा कि वास्तव में बोर्ड ही हो, देखो नाम तो यही रहेगा, केवल बस्ती चेंज हो जाएगी, ठीक है, जैसे समझ गए। तो ये है अपनी कौन सी पल्ली बस्ती, यानी भौतिक रूप से अलग हो जाती है लेकिन इसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, नाम वही रहता है, ठीक है। पल्ली बस्ती के अन्य नाम है जैसे पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, ये प्रमुख नाम है, इतना ध्यान रखना। प्रक्षिपित बस्ती, प्रक्षिपित बस्ती को हम एकाकी बस्ती के नाम से भी जाने जावे, एकाकी नाम ही पता चल रहे हो, एकाकी, एकाकी मतलब एकांत में, ऐसी बस्ती जो दूर दूर पाई जाती है, एकांत में पाई जाती है, दूर दूर एकांत में होती है, वो प्रक्षिपित बस्ती है। इसमें घर बहुत दूर दूर होते हैं प्रक्षिपित बस्ती में। उदाहरण के तौर पर माने तो जैसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये उदाहरण इसका ले सकते हैं प्रक्षिपित बस्ती का, ठीक। और मेघालय भी है, मेघालय भी इसी का उदाहरण है प्रक्षिपित बस्ती का। तो यानी ये प्रमुख क्या है, मानो ये हो गया अपना पांचवा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट दे रही है प्राचीन नगर। देखो प्राचीन नगर की बात करें तो भारत में क्या है कि 2000 साल पहले के प्राचीन नगर है, इनमें से कोई नगर धार्मिक व सांस्कृतिक कारणों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, पाटलिपुत्र, पटना, बिहार। देखो क्या है कि प्रश्न ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि निम्न में से प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। अब ऑप्शन में दूसरा भी दे दी तो बस राइट करना आपने। तो प्राचीन नगर का उदाहरण सीधा से ध्यान रखना कि इलाहाबाद, पाटलिपुत्र जो कि पटना भी है और बिहार के अंदर है ये, ठीक है, इलाहाबाद, वाराणसी भी है इसका उदाहरण। आधुनिक नगर, इन नगरों का विकास अंग्रेजों और यूरोपियन ने किया था, ठीक है, जैसे सूरत हुआ, गोवा, सूरत हुआ, गोवा हुआ, कलकत्ता हुआ, मद्रास हुआ, ये प्रमुख आधुनिक नगर है। और आजादी के बाद बहुत से नगरों का विकास हुआ, जैसे चंडीगढ़, दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है। मध्यकाल नगर, इन नगरों का विकास जो है वो किसने किया, मध्यकाल, मध्यकाल राजा रजवाड़ों और मुगलों ने किया मध्यकाल नगर का विकास। बताओ जयपुर, दिल्ली, ठीक है, जयपुर दिल्ली हो गया, ठीक है, ये प्रमुख क्या है, ये अपने हो गए मध्यकाल नगर। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रशासन नगर। ऐसे नगर जो उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय के लिए जाने जाते हैं वो है अपने प्रशासन नगर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, भोपाल है, ठीक है, जयपुर है, ये प्रमुख प्रशासन नगर है। धार्मिक नगर, ऐसे नगर जो धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों के लिए जाने जाते हैं, जैसे इलाहाबाद, नहीं सॉरी, वाराणसी, वाराणसी हुआ, इलाहाबाद हुआ, ठीक है, इलाहाबाद, वाराणसी, ये प्रमुख जाने जाते हैं। तो यानी ये जो अपना छोटा सा यानी टॉपिक था भूगोल की टेस्ट सीरीज नंबर 3, कैसे लगी सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सपोर्ट बना रहेगा तो हम आगे इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।